11 की बायोलॉजी क्लास में हमने लेसन शुरू किया था जीवधारियों का वर्गीकरण। उसमें हमने देखा था कि पांच जगत का वर्गीकरण क्या होता है, उसमें कौन कौन से जगत आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था विषाणुओं के बारे में, उनके कुछ कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि मोनेरा के लक्षण क्या होते हैं। जो सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, आज हम उसी को पढ़ेंगे, मोनेरा। चलिए शुरू करते हैं। मोनेरा को दो भागों में बांटा गया है, एक तो यू बैक्टीरिया और दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहले हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के जीव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब है कि ये बहुत ही पहले आए थे, यानी प्रारंभिक, जब जीवन की शुरुआत हुई थी लगभग बहुत ही पहले, इसलिए हमने बोला इनको प्रिमिटिव टाइप के जीव होते हैं। इनको हमने बांटा है तीन ग्रुप्स में, एक तो हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स यानी कि वो जीव, वो बैक्टीरिया जो कि कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे लवणों की अधिकता होती है। थर्मो एसिडोफिल्स यानी कि वहाँ पे अम्ल भी ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है जहाँ पर ये बैक्टीरिया मिलते हैं, जैसे कि थर्मो प्लाज्मा। मिथेनोजेंस वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे दलदली क्षेत्र हो, ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि मिथेनोकोकस। इसके अलावा, दलदली क्षेत्रों के अलावा मिथेनोजेंस पाए जाते हैं गाय और भैंस की आंत में भी मिल सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, कितना भी टेम्परेचर हाई हो या बहुत कम हो, कितना भी लवणीय ज्यादा हो, कैसा भी रीजन हो, ये वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आर्की बैक्टीरिया की बात। दूसरा, एक पोषण इनमें कैसे होता है, जो होते हैं इनमें से अधिकांश, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, अधिकांश आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये जो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया के ऑक्सीकरण से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसलिए ये स्वपोषी भी है, क्योंकि एक तरह से कहेंगे रसायन संश्लेषण हुए। चलिए अब देखते हैं कि यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्की बैक्टीरिया हमने देख लिया, चलिए अब देखेंगे यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। यू बैक्टीरिया में लेते हैं हम क्या, एक तो देख लेंगे वास्तविक जो जीवाणु होते हैं वो आएंगे, वास्तविक जीवाणु। दूसरा आता है नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, या इनको हम बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये दो मुख्य रूप से इसमें आता है। एक और चीज आ जाती है मोनेरा में, जिसको हम बोलते हैं माइको प्लाज्मा, क्योंकि हमने मोनेरा में किसको रखा था, जो कौन से जीव थे, प्रोकैरियोटिक जीव थे, जो प्रोकैरियोटिक जीव थे, और माइकोप्लाज्मा भी एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला ही जीव होता है और एक कोशिकीय होता है। चलिए अब जीवाणुओं के बारे में देखते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, कैसी भी जगह हो, ये सब जगह मिलेंगे, जल में, थल में, वायु में, सभी जगह मिलते हैं। दूसरा, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन और या म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक होती है, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड का मतलब है, ये देखिए अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देख लें, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें हम बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को देख लेंगे।
बैक्टीरिया एक सेल वाला जीव होता है, एक सेल वाला जीव होता है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है और कोशिका द्रव्य के बीच में पड़ा रहता है। ये मान लीजिए हो गई बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर पाई जाती है कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो जाएगी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ जीवाणुओं में इसके बाहर भी संश्लेष्मीय परत पाई जाती है जिसको हम बोल सकते हैं कैप्सूल, या वो हो सकती है स्लाइम लेयर। ठीक है, इन्हीं में से निकले होते हैं कुछ छोटी छोटी संरचनाएं जिनको बोलते हैं पिलाई। ये हो गए पिलाई। लोकोमोशन के लिए यानी गमन के लिए इनमें पाई जाती है एक लंबी सी टेल जैसी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या? फ्लैजिलम। फ्लैजिलम ये लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। ये जो संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं फिलाई। ये कंजुगेशन में हेल्प करती है। ये कोशिका द्रव्य है जो कि बीच में पड़ा हुआ है, इसी के बीच में क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी के केंद्राव, हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्राव। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनके डीएनए में यानी जो क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते। यहाँ पे क्या नहीं मिलेंगे हमें? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते, ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पे जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। जो राइबोसोम होंगे वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम। ये हो गए 70S राइबोसोम। इसके अलावा इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है कुछ इस तरीके से, अंदर की तरफ फोल्ड होती है। इसी मेम्ब्रेन में जहां पे इसको हम बोलते हैं मीजोसोम, इस संरचना को हम बोलते हैं मीजोसोम। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी के हिंदी में इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीव द्रव्य कला। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी के जीव द्रव्य कला। इसी के अंदर इसके एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके लिए श्वसन के यानी श्वसन की क्रिया में जो एंजाइम्स काम आए पाए होते हैं, काम के होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में उपस्थित होते हैं। ठीक है, 70S यहाँ पे राइबोसोम मिलते हैं। सिंगल राइबोसोम के अलावा यहाँ पे कुछ पोली राइबोसोम भी मिलते हैं कुछ इस तरीके से, पोली राइबोसोम भी मिलते हैं। क्योंकि पोली का मतलब होता है बहुत सारे, ये mRNA पे लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोली राइबोसोम, पोली राइबोसोम। ठीक है, ये हो गई एक बैक्टीरियल सेल। ये फ्लैजिला, फ्लैजिला हो गया जो जहां से निकलता है उस बिंदु को हम बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट। तो ये हमने देखा कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स कैसे होती है। कभी कभी इसके बाद मैंने बताया था कि कैप्सूल भी पाया जाता है यानी कि ये हमने बना दी इसकी स्लाइम लेयर या बोल सकते हैं कैप्सूल। ये हो गया इसका कैप्सूल।
प्रोटेंट होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया की एक टेम्परेरी सी स्ट्रक्चर्स है जिसमें हमने देखा कि इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, बैक्टीरिया में पोषण यानी के न्यूट्रिशन कैसे होगा। बैक्टीरिया में पोषण की दृष्टि से बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे, एक तो होंगे फर्स्ट हम ले लेते हैं, ये तो चलिए हमें देख लो कैसे लिखते हैं, एक तो हो जाएंगे स्वपोषी बैक्टीरिया यानी के ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी बैक्टीरिया हो जाएंगे, स्वपोषी बैक्टीरिया यानी कि स्वपोषी जीवाणु हो जाएंगे। दूसरा हो जाते हैं स्वपोषी में भी दो तरह के आएंगे, एक तो प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, दूसरे आते हैं रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का जीवाणु का मतलब है कि इनमें क्लोरोफिल ए या बैक्टीरियम विरिडिन, बैक्टीरियम क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है जिसकी वजह से ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, यानी क्लोरोफिल जैसे पदार्थ से मिलती जुलती चीजें इनमें पाई जाती हैं जिससे प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बना सकते हैं। दूसरे तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ रसायनों के ऑक्सीकरण से, जैसे मैंने आर्किबैक्टीरिया में बताया था जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, अमोनिया होगा या मीथेन हो गया, उनके ऑक्सीकरण से ये एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि परजीवी, परजीवी बैक्टीरिया यानी कि जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर रहकर क्या लेते हैं, पोषण लेते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां होती है जीवाणुओं की वजह से, जैसे ले लेते हैं टाइफाइड होता है, सेल्मोनेला, सेल्मोनेला टाइफाइड, ये बैक्टीरिया क्या करता है, टाइफाइड करता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो ये क्या हुआ, परजीवी हुआ। दूसरा एक होता है, दूसरा ले लेते हैं हम परजीवी हो गया, एक बैक्टीरिया हो जाते हैं सहजीवी, सहजीवी। कुछ बैक्टीरिया दूसरे जीवों के साथ में इस प्रकार रहते हैं ताकि दोनों जीवों को ना हो जाए, जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, लेग्यूमिनोसेरम। ये बैक्टीरिया जो दलहनी पौधे होते हैं यानी कि जैसे दाग वाले धान के खेत में, ये उनकी जड़ों में पाया जाता है और उनको क्या देता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदल के पौधों को उपलब्ध कराता है, उसके बदले में इसको रहने की जगह और खाना मिलता है। तो इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स क्या होती है और उसमें पोषण कैसे होता है। आज की क्लास में इतना ही, अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के टाइप्स क्या हो सकते हैं। थोड़ा ये रिवीजन कर लेंगे, आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।